क्या करना है ये मैं आपको बता दूं कि अब हमें जो करना है वो है एक ये इसको बंद करना है। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, एक भी चेंज नहीं करूंगा मैं, वो है मॉर्निंग वाला। तो 400 कैलोरीज टोटल हो गई आपकी, 400 कैलोरीज। अब हम जाते हैं डाइट प्लान के ऊपर। नॉर्मल आदमी को 2400 कैलोरीज चाहिए अपने दिन की, तो एक काम नॉर्मल काम करने में, चलने फिरने में, घूमने में, सोचने में, दफ्तर का काम करने में, नॉर्मल काम हम सोच सकते हैं, वो सब करने के लिए 2400 कैलोरी चाहिए। उसके ऊपर जो भी आप ज़्यादा लेते हैं वो सब आपका चर्बी या फैट बनता है, जो भी आपका शरीर के ऊपर का पोर्शन, जो पेट के ऊपर का पोर्शन जो भी आपका निकला हुआ है अभी वो बनता है। तो उसको रोक नहीं सकते, कोई बात नहीं, रोक नहीं सकते, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, अब डाइट प्लान आते हैं। मॉर्निंग आपका जो लंच रहेगा वो आप नॉर्मल अभी चल रहे हैं तो आप हैवी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाय पीजिए। डायरेक्टली हमको नहीं जंप करना है किसी भी डाइट पे, डाइट पे धीरे धीरे जंप करते हैं। डायरेक्ट जंप करने जाएंगे तो आपको आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब डाइट प्लान में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका नॉर्मल प्लान, और डाइट प्लान में आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से होता है। डाइट प्लान आपका रहेगा नॉर्मल से भी बेहतर, देखना मैं भी आपको समझाता हूँ। लंच लंच आप रखेंगे, स्नैक्स रख सकते हैं आपको रखना है तो, वरना आप लंच में रखिए सूप रख सकते हैं आप, मॉर्निंग के ऊपर आप सूप रख सकते हैं। दो तीन प्रकार के आप जूस मॉर्निंग में पी सकते हैं, ब्राउन ब्रेड और आप उसके ऊपर जैम नहीं पर आप उसके ऊपर पीनट बटर लगा के एक कोल्ड ड्रिंक में, मतलब कोल्ड ड्रिंक मतलब जूस, कोई भी नेचुरल जूस, कोई भी नेचुरल जूस आप पी सकते हैं मैंगो के अलावा, क्योंकि मैंगो में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो मैंगो को छोड़ दीजिए, मैंगो को फेंक दीजिए, मतलब मैंगो भी मेरा फेवरेट है बट डाइट प्लान करना है, मैंगो छोड़ दीजिए। उसके अलावा कोई भी आप ले सकते हैं, मतलब दूध के साथ कुछ भी मत लीजिए, रो जूस, डायरेक्ट जूस जो निकलता है जूसर मशीन से, फ्रूट डाल के, पर एप्पल जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, आप कीवी भी ले सकते हैं, कीवी बहुत बढ़िया है आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, और आपका पेट भी भर देगा। तो नॉर्मल हम रखें तो 100 से 200 कैलोरीज मॉर्निंग में लेंगे, या हेवी लेना है आप नॉर्मल पीपल से ज़्यादा मतलब खाते हैं पेट निकला हुआ है आपका, तो आप हेवी भी मॉर्निंग में ले सकते हैं। मॉर्निंग में याद रखिएगा 400 कैलोरी तक मैं आपको छूट देता हूँ, 400 कैलोरी मॉर्निंग में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 400 क्या 500 ले लीजिए। तो ये मॉर्निंग हो गया, दोपहर में आपको क्या लेना है, आप सबसे ज़्यादा आप ऑफिस में काम करते हैं, आप जिम वगैरह नहीं करते अभी, नॉर्मल प्रैक्टिस मतलब नॉर्मल कसरत करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि आपको दोपहर में खाना नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको दोपहर में कुछ नहीं खाना चाहिए। आप दो तीन दिन आपको लगेंगे पर फॉलो कर लेंगे आप, थोड़ा टाइम लगेगा आपको फॉलो कर लोगे, बट आप मॉर्निंग में वॉक करते हो या आपके काम के लिए आपको चलना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है, मतलब कुछ इस तरह की प्रैक्टिस वगैरह आपकी फिजिकल भी आप कर रहे हो, आपकी मतलब लाइफ से फिजिकल भी थोड़ा दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए दोपहर में। बट आप बैठ रहे हो, कुछ काम नहीं है ऑफिस में, कंप्यूटर के ऊपर काम करना है आपको, ज़रूरत नहीं है, मत खाओ प्लीज़ मत खाओ। और आप कसरत कर रहे हो तो आपका मील होगा ये, एक बाउल 250 ग्राम मिक्स फ्रूट,
जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे कम रखना, 800 से कम रख देना, पर 800 ज्यादा दिक्कत नहीं।
800 कैलोरी का फर्क है, 800 कैलोरी आपका पेट घटा।